फिरदौस महल की रौनक पर लगी किसी की बुरी नजर, आलिया के जन्मदिन पर मंजीत हुई लापता। सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में फिरदौस महल में छा गए गम के बादल। हर कोई उदास है, हर कोई परेशान है, हर कोई मंजीत को ढूंढने में लगा हुआ है। भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक से ये क्या हो गया? आखिर कहाँ चली गई मंजीत? किसी को मंजीत के बारे में कोई खबर क्यों नहीं है? मैं उसे फोन लगा रही हूँ, कॉल जा भी रही है, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही है। और ऐसे वक्त में पीजी कहाँ चली गई? पीजी गुरुद्वारे गई और ये मुझे फोन से बाहर गिरा हुआ मेरा। मंजीत घर पे नहीं, कहाँ गई? मैंने मरीज को घर से भी ढूंढ लिया, उसका फोन मुझे यहाँ बाहर रास्ते में मिला। पता नहीं, जब मैं बाहर गई थी तो वो बच्चों के पेरेंट्स को बुला रही थी, लेकिन जब मैं वापस गई तो वहाँ नहीं थी। एक तरफ जहाँ मंजीत लापता है, वहीं दूसरी तरफ मेहर को बड़ी मुमानी पर शक हो रहा है। मैं जानती हूँ मुमानी जी, हमको जरूर कुछ पता है, वो हमें बता नहीं रही। कुछ तो है कुछ। अब ये तो आपको यूमी और टीवी दिखा ही चुका है कि आलिया की बर्थडे पार्टी में मंजीत को किडनैप करवाना चाहती थी बड़ी मुमानी, और कहीं ना कहीं वो इस प्लान में सक्सेसफुल भी रही हैं। तभी तो देखिए ना, ऐसे मौके पर बड़ी मुमानी भागना चाहती हैं, लेकिन छोटी मुमानी बड़ी मुमानी को समझाती हैं कि ऐसा करने से उन पर सबका शक जाएगा, इसलिए उन्हें ऐसे मौके पर कहीं जाने के बजाय यहीं रुक कर सारा तमाशा देखना चाहिए। इंतजार कर रहे होंगे, मैं रुक नहीं सकती। भाभी जान, इस वक्त आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। नीचे सब लोग मरियम को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप उन्हें नहीं मिली ना भाभी जान, तो सबसे पहले आप पर शक जाएगा, और फवाद, अगर फवाद की नजर पड़ गई तो गजब हो जाएगा भाभी जान। भाभी जान, आप हमारी बात मानिए, आप यही रहिए, और वहाँ वो बल्लू है ना, वो सब संभाल लेगा। हमेशा बचपन से लेकर आज तक हमारे हर काम में हर काम को नाकाम करने की कोशिश की है इसने। किसी तरह बड़ी मुमानी छोटी मुमानी की बात तो मान जाती है, लेकिन मंजीत को जान से मारने के लिए इस तरह बेकरार है कि बल्लू को फोन करके धमकी भी देती है। बल्लू, ठिकाने लगा दिया लड़की को? क्या कहा तूने? तुझसे मैंने कहा था बल्लू, कोई भूल चूक हुई तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। मेरी बात कान खोल के सुन ले। मरियम की मौत की खबर दे मुझे सबूत के साथ, समझा? अब मंजीत कहाँ है, किस हालत में है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस समय मंजीत को फवाद की जरूरत है, और ऐसे में फवाद मंजीत को कैसे बचाएंगे ये भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।